तो देखो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो कि इस वाले सवाल में विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ये इक्वेशन तुम पढ़े होगे, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है, डिस्प्लेसमेंट इन एंथ सेकेंड इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। यहाँ एन को टी से लिखा है, तो ये इक्वेशन न्यूमेरिकली तो करेक्ट है क्योंकि ये फिजिक्स में एग्जिस्ट करता है, तो डायमेंशनली देख लेते हैं। एस एन जो है, एस एन, अब देखो एस एन का डायमेंशन बराबर होगा यू के डायमेंशन, बराबर होगा वन बाई टू ए टू एन माइनस वन का डायमेंशन। डायमेंशन के ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इसका डायमेंशन इन इन सब के बराबर होगा। तो इसका मतलब एस एंथ क्या है? एस एंथ है, एस एंथ जो है बच्चे समझ लेते हैं, डिस्टेंस है, ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड है। एक सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इस इक्वेशन को, तो डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड टाइम टी मतलब एल टी माइनस वन, और यू जो है उसका डायमेंशनल फार्मूला स्पीड है, और उसका भी एल टी माइनस वन। अब बच गया हाफ ए टू एन माइनस वन, तो हाफ तो डायमेंशन एक्सलेशन का हो गया एल टी माइनस टू, और ये जो टू है वो नंबर है और एन जो है टाइम है, तो यहाँ से टाइम टी, इसका मतलब ये हुआ कि एल टी माइनस वन। तो एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन और एल टी माइनस वन, मतलब न्यूमेरिकली और डायमेंशनली ये दोनों सही है क्योंकि न्यूमेरिकली फिजिक्स में एग्जिस्ट करता है और मैथमेटिक डायमेंशनली भी हम लोग प्रूव कर दिए। दैट्स वाई सी ऑप्शन इज द करेक्ट।